हेलो बच्चों, आज हम सुनने जा रहे हैं लोहड़ी की कहानी। अरे बच्चों, पहले लोहड़ी की पूजा तो कर लें, फिर नाचना गाना। दादी दादी दादी, वैसे हम ये लोहड़ी की पूजा क्यों करते हैं? हाँ दादी, और हम ये सुंदर मुंदरी गाना क्यों गाते हैं? हाँ, अभी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, पंजाब के गांव में दुल्ला भट्टी नाम का एक डाकू रहता था। दुल्ला भट्टी लालची एवं गरीब लोगों की मेहनत का पैसा हड़पने वाले लोगों का धन लूटता और गरीब लोगों में वापस बांट देता था। वहीं पास एक गांव में दो बहनें सुंदरी और मुंदरी रहती थी। दोनों बहनें सारा दिन आपस में खेलती रहती थी। सुंदरी और मुंदरी के पिता भी उनसे बेहद प्रेम करते थे, परंतु उनके पिता को हर समय एक ही चिंता सताती रहती थी, वो थी उन दोनों के विवाह की। यूं तो सुंदरी मुंदरी के लिए उनके बाप ने वर ढूंढ रखे थे, पर उसी गांव में रह रहे नंबरदार की नज़र लड़कियों को लेकर ठीक नहीं थी। नंबरदार हर समय उनके बाप को उन दोनों का ब्याह उससे करने को कहता रहता था और डराता धमकाता था, पर सुंदरी मुंदरी का बाप उन्हें नर्क में नहीं फेंकना चाहता था। एक रात उनके गांव में दुल्ला भट्टी आया। सारे गांव में ये खबर फैल गई और जब सुंदरी मुंदरी के पिता को ये पता चला कि दुल्ला भट्टी बेहद बहादुर है और गरीबों की मदद करने वाला डाकू है, तो उसने दुल्ला भट्टी से मदद मांगने की सोची। उनके पिता ने दुल्ला भट्टी को सारी बात बताई और सारी बात सुनने के बाद दुल्ला भट्टी ने उनको नंबरदार के डर से मुक्त कराने का वादा किया। फिर आई लोहड़ी की रात, जब दुल्ला भट्टी ने उन लड़कियों की शादी उनके मन चाहे वरों से करवाई। दुल्ला भट्टी के पास शगुन में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपने पास पड़ी एक शेर शक्कर सुंदरी मुंदरी को शगुन के रूप में उनकी झोली में डाली। और तब से लोहड़ी का त्योहार ऐसे धूमधाम से मनाया जाता है।